लास्ट अटेम्प्ट्स तक मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था कि अब मेरा आईएएस में भी सिलेक्शन हो जाएगा. जी सर. तो जब मेरा आईएफएस का रिजल्ट फर्स्ट टाइम मुझे पता लगा और मैंने अपने पेरेंट्स को बताया तो डेफिनेटली बहुत खुश थे. वो करने के बाद हमको डीसीएफ लेवल में फर्स्ट प्रमोशन मिलता है जिसको हम डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं, जो कि इक्विवेलेंट होता है डिस्ट्रिक्ट में एसपीज एंड डीसी के. जो लोग हैं उनकी भी टूरिज्म नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ कुछ बीचेज हैं जो रोड से ही कनेक्टेड है, उनको डेवलप किया है. ज्वाइन करते हैं और एज एन ऑफिसर ज्वाइन करते हैं, दैट टू एन ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर ज्वाइन करते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हाई रहती है. उनके साथ हम लोग जंगल की रेगुलर पेट्रोलिंग करते रहते हैं कि ये ट्राइबल से इनको कोई इंटरेक्शन ना हो और इनको कोई प्रॉब्लम ना हो. जैसे कि आप आईएएस आईपीएस और आप खुद आईएफएस हो तो इन सब ऑफिसर्स के साथ मिलते होंगे, तो नॉर्मली सर आपको कौन सी जॉब ज्यादा बेटर लग रही है? जैसे कि आप खुद आईएएस के लिए भी तैयारी कर रहे थे तो आप क्या प्रेफरेंस देना चाहोगे? आपने सारी चीजें देख ली है, फील भी कर ली. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो. हमारे साथ हैं सत्य प्रकाश सिंह आईएफएस सर, जो कि 2015 बैच में 76 रैंक के साथ सिलेक्ट हुए थे और अभी सर डीएफओ के पोस्ट पर सिलेक्टेड हैं. तो आज हम जानते हैं कि डीएफओ के पास क्या पावर होते हैं या फिर आईएफएस में आप कैसे एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं या फिर इनके क्या पावर होते हैं, कैसे इनका वर्क कल्चर होता है, जो भी बातें हैं वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे. अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें. सबसे पहले सर आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए. सर मेरा नाम सत्य प्रकाश सिंह है और मैं आईएफएस ऑफिसर यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में अभी अफसर हूँ. मेरा बैच 2015 है और ये एग्ज़ाम 2014 है. आईएफएस एग्ज़ाम 2014 में हम सेलेक्ट हुए हैं और मेरा बैच 2015 है. मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो मैंने आईआईटी धनबाद से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की है और बीटेक करने के बाद फिर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी है. जी सर. ओके सो सर आप अपने एग्ज़ाम जर्नी के बारे में बताइए, जब आप तैयारी करना आपने स्टार्ट किया होगा, फिर कौन सा टाइम दिया, फिर कोई और भी एग्ज़ाम दिए होंगे उनके. देखिए 2010 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी और मेरा कॉलेज प्लेसमेंट कोल इंडिया लिमिटेड में हुआ था, लेकिन क्योंकि मुझे शुरू से ही एक ड्रीम था कि सिविल सर्विसेज की तरफ मेरा इंक्लिनेशन था, मुझे सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना था, इसीलिए मैंने जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी थी. तो 2010 में जब मैं तैयारी शुरू की तो मैं घर से बाहर, जो कि मेरा घर दिल्ली में ही है, फिर भी मैं घर से बाहर रहकर मैंने तैयारी शुरू करी. तो मुखर्जी नगर मेरा ये सबसे पहली जगह थी जहाँ मैंने कुछ कोचिंग्स, लोकल कोचिंग्स ज्वाइन करी और तैयारी शुरू करी. उसके बाद पहले अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, फिर मेंस एग्जाम क्लियर किया, बट इंटरव्यू के लिए मेरा कॉल नहीं हो पाया. आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट, इंडियाज बिगेस्ट प्रीलिम बेस्ड नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट, जहाँ पर आप जीत सकते हो स्कॉलरशिप एंड 15 करोड़ तक के अमेजिंग प्राइजेस. सो गाइस ये जो टेस्ट है वो 27th of March को होने वाला है. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इनरोल करने के लिए मेरा कोड स्टूडेंटो जरूर यूज़ करें. साथ ही मैं आपको बता दूं अनअकैडमी के एक स्पेशल ऑफर के बारे में, अनलॉक 20. आपको पता होगा कि अनअकैडमी बहुत सारे कोर्सेज सब्सक्रिप्शन लाते हैं जो कि यूपीएससी की जर्नी में डेफिनेटली काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. सो अभी अनअकैडमी के चाहे कोई भी सब्सक्रिप्शन की बात करें, आइकॉनिक या कॉम्बो, कोई भी सब्सक्रिप्शन हो उस पर 20% का डिस्काउंट चल रहा है अगर आप मेरा कोड स्टूडेंटो यूज़ करते हैं. तो गाइस देरी किस बात की, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर अगर आप कोई भी प्लान कर रहे हो सब्सक्रिप्शन लेने का तो मेरा कोड स्टूडेंटो यूज़ करें. और हाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर जल्दी प्राइस हाइक होने वाले हैं. सो देरी किस बात की, जाकर एनरोल करें और मेरा कोड स्टूडेंटो यूज़ करें. तो फिर इस तरह से मैंने अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाया, फिर मैंने दूसरा अटैम्प्ट दिया, फिर मैंने तीसरा अटैम्प्ट दिया, फिर मैंने चौथा अटैम्प्ट दिया. तो तीसरे अटैम्प्ट में मुझे फिर से आईएएस का इंटरव्यू तक पहुंचने का मौका मिला. मैंने आईएएस का इंटरव्यू दिया बट अनफॉर्चुनेटली मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया. 2013 में यूपीएससी ने बहुत बड़ा मेजर चेंज लेके आई थी जिसमें उन्होंने आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम को भी और आईएएस को प्रिलिमिनरी वाला जो पार्ट है उसको मर्ज कर दिया था. तो जब ये मर्ज हो गया तो मेरे पास, क्योंकि मैं एक साइंस बैकग्राउंड से था, तो मेरे पास आईएफएस की तरफ जाने का भी मौका खुल गया था. उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने 2013 वाले एग्ज़ाम में आईएफएस को भी टिक किया और आईएफएस के एग्ज़ाम में भी मैं अपीयर हुआ.
लेकिन उसमें भी IFS एग्ज़ाम में भी मैं इंटरव्यू तक गया, बट मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तब 2014 में मैंने IFS को ही थोड़ा फोकस करके, थोड़ा कंसंट्रेट करके, अपना सारी जो IAS वाला जो मेरा ध्यान था उसको मैंने IFS की तरफ लगा करके 2015 में 14 के एग्ज़ाम, यानी जो मेरा बैच 2015 है, 2014 के एग्ज़ाम में मैंने ये सक्सेसफुली इस एग्ज़ाम को क्लियर किया। ओके सो सर, थोड़ा सा IFS के बारे में बताइए कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि आपने बताया साइंस बैकग्राउंड से, क्या आर्ट बैकग्राउंड की नहीं दे सकते इस तरीके से? देखिए, IFS में जाने के लिए सबसे पहली क्राइटेरिया यही है कि आपको साइंस में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी जो भी आप सब्जेक्ट लें ग्रेजुएशन का उसमें साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे अगर आप इंजीनियर भी हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप सिंपल BSc, MSc या और भी कुछ कोर्स किए हुए हैं, बट सब्जेक्ट जो है आपका साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट ही होना चाहिए। और इसमें आर्ट्स के स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं उसी समय आपका साइंस IFS का ऑप्शन तभी खुलता है जब आप साइंस सेलेक्ट करते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन में ही अगर आप आर्ट सब्जेक्ट BA या MA डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली वो ऑप्शन आपके लिए नहीं खुलेगा। तो इसके लिए साइंस इज कंपलसरी है। सो सर, जब 2015 में आपका सिलेक्शन हुआ तो जब रिजल्ट आया तो फर्स्ट टाइम, जैसे कि आपने 3-4 बार इंटरव्यू दिए, तो जब सिलेक्शन नहीं होता ऑब्वियसली बात है डिमोटिवेट से फील करते हैं, और जब असफलताएं एकदम नज़दीक से देखने को मिलती हैं और उसके बाद जब सिलेक्शन होता है, तो उस टाइम पे आपका क्या रिएक्शन था आपके फैमिली वालों का, फ्रेंड्स का? देखिए, क्योंकि जब मैं तैयारी शुरू किया था तो मेरा ड्रीम तो IAS बनने का ही था, जैसे सभी UPSC एस्पिरेंट्स का रहता है। तो क्योंकि मैं बहुत लास्ट अटेम्प्ट्स तक मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था कि अब मेरा IAS में भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो जब मेरा IFS का रिजल्ट फर्स्ट टाइम मुझे पता लगा और मैंने अपने पेरेंट्स को बताया तो डेफिनेटली बहुत खुश थे वो लोग, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि इस साल सक्सेस मुझे मिल रही है, मैं IAS में भी बन पाऊंगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। तो फाइनली मैं IFS सर्विस के साथ ही सेटल हुआ। तो डेफिनेटली इट वॉज़ अ बहुत अच्छा मोमेंट था जब फैमिली में बताया गया कि मेरा फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्शन हो गया। बट इस सर्विस के साथ प्रॉब्लम यह है कि लोग ज़्यादा इस सर्विस के बारे में जानते नहीं हैं, क्योंकि हमारा जो काम है, जो IFS ऑफिसर्स का काम है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है, वो सिर्फ फॉरेस्ट एरियाज तक रिस्ट्रिक्टेड रहता है। तो उसमें हमारा उतना पब्लिक इंटरेक्शन नहीं होता, उतना हमारा पब्लिक फेस नहीं है जिससे हम लोग लोग भी जाने। जैसे मैं खुद एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं खुद दिल्ली में पढ़ा हूँ, बड़ा हूँ, वहीं पर रहा हूँ दिल्ली में, तो मुझे आज तक नहीं पता था कि IFS ऑफिसर्स भी यहाँ पर पोस्टेड हैं। जो मुझे बाद में पता लगा कि जब मैं सर्विस में आने के बाद मुझे पता लगा कि IFS ऑफिसर्स का दिल्ली में भी पोस्टिंग होती है, मिनिस्ट्री में भी पोस्टिंग होती है, और जो भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज हैं वहाँ सब पोस्टिंग्स IFS ऑफिसर्स की होती है। राइट सर। ओके सो सर, जब आपका रिजल्ट आ गया उसके बाद की जर्नी बताइए कि सर, मैं स्ट्रेटजी वगैरह तो अब इसी बात नहीं पूछूंगा आपसे कि आप कैसे पढ़ते थे, क्या टाइम टेबल फॉलो करते थे। नॉर्मली मैं रिसेंट टॉपर से पूछ लेता हूँ तो वो ज़्यादा सही से, हालांकि आप भी अभी पढ़ाते हो, गाइड करते हो स्टूडेंट्स को, तो सर वो जर्नी बताइए कि जब आपका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद ट्रेनिंग का क्या प्रोसेस होता है, कैसे क्या चलती हैं चीज़ें, उसके बारे में बताइए सर। देखिए, IFS का एग्ज़ाम का रिजल्ट IAS एग्ज़ाम से ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने पहले आ जाता है। मतलब IAS का रिजल्ट, क्योंकि जब आप IFS का एग्ज़ाम देते हैं, मेंस का एग्ज़ाम देते हैं, मेंस का इंटरव्यू देते हैं, तो 90% चांस होता है कि आप IAS के एग्ज़ाम में भी अपीयर हुए हैं और IAS का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, तो इसका रिजल्ट थोड़ा सा पहले आ जाता है IFS का। तो ये ऑलमोस्ट आई थिंक फरवरी और मार्च के मंथ में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, फरवरी और मार्च के मंथ में IFS का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसके बाद अगस्त से हमारी ट्रेनिंग शुरू होती है। तो सबसे पहले जो ट्रेनिंग हमें मिलती है उसे बोलते हैं फाउंडेशन कोर्स, वो 3.5 मंथ्स का, यानी 3.5 महीने का होता है। ये ट्रेनिंग हम लोग को लबासना, जो कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर मसूरी में ये ट्रेनिंग होती है स्टार्टिंग में। वो एक्चुअली आप जो और भी बैचेस में और भी सर्विसेज के लोग होते हैं उनके साथ आपकी ये ट्रेनिंग, IAS के साथ, IPS के साथ, IRS और भी सर IRTS एंड अदर सर्विसेज, वो सब लोग भी आपके साथ ट्रेनिंग करते हैं। वो एक बेसिकली, क्योंकि आप एक स्टूडेंट से ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो एक फाउंडेशन रखने के लिए वो आपके लिए कोर्स होता है। तो वो करने के बाद, वो 3.5 महीने करने के बाद आपको अपनी अपनी एकेडमी, रिस्पेक्टिव एकेडमीज में भेज दिया जाता है। जैसे मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से हूँ तो मुझे IGNFA इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी जो देहरादून में है वहाँ पर हम लोग चले जाते हैं आगे की प्रोफेशनल ट्रेनिंग करने के लिए। उसी तरह जैसे पुलिस के होंगे तो वो हैदराबाद चले जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी है वहाँ चले जाएंगे। तो इस तरह से ये करीब 16 महीने 16
महीने और आधा, मतलब 16.5 months की ट्रेनिंग होती है प्रोफेशनल कोर्स. उसके बाद आपको फील्ड में डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट, दैट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ट्रेनिंग. बेसिकली वो ट्रेनिंग ही होती है, बट क्योंकि अभी आप बुक्स में थे, अभी आप एकेडमिक्स में थे, एकेडमी में थे, तो वो ब्लेंड ऑफ माइंड आपका नहीं बन पाता कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे काम होता है. तो वो ब्लेंड ऑफ माइंड बनाने के लिए आपका ऑलमोस्ट 3.5 months की डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट होता है. मतलब आपको डिस्ट्रिक्ट में एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर, किसी जो ऑलरेडी DFOs हैं उनके अंदर आपको प्लेस किया जाता है. आप सीखते हैं निटिगिटी, सीखते हैं छोटी छोटी चीज़, सीखते हैं कि हम लोग एज ए IFS ऑफिसर्स कैसे काम करते हैं. और साढ़े तीन महीने की, यानी ऑलमोस्ट 2 साल कंप्लीशन के बाद, तब हम लोग को IFS में, मतलब एज अ ACF हम लोग को पोस्टिंग दी जाती है. ACF जी. ओके. सो जैसे कि अभी आपने बताया ACF पोस्टिंग दी जाती है, तो फिर सर आप DFO अभी है ना, और फिर इसके बाद भी प्रमोशन वगैरह कैसे, क्या रहता है सर उसके बाद? जी जरूर. इसमें बेसिकली क्या है, जब हम सर्विस ज्वाइन करते हैं तो 7th pay commission के हिसाब से हमारा level 10 होता है. तो जब लेवल 10 में होते हैं तो वो एक ACF का लेवल होता है, जो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हम उसको बोलते हैं. उसके बाद जब 4 ईयर सर्विस कंप्लीट करने के बाद हमको DCF लेवल में फर्स्ट प्रमोशन मिलता है, जिसको हम डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं, जो कि इक्वलेंट होता है डिस्ट्रिक्ट में SPs एंड DC के, यानी DM एंड SPs के इक्वलेंट होता है. इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रमोशन होता है वो CF में होता है, जिसको हम कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं. इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रमोशन जो होता है वो CCF होता है, जिसको हम चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं. चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स होते हैं, पोस्ट होते हैं. इसके बाद हम लोग एडिशनल PCCF और जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो PCCF, जिनको हम प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं, जिनको हॉफ भी बोला जाता है, हेड ऑफ द फॉरेस्ट फोर्स. ये अलग अलग स्टेट्स में आपको एक एक हॉफ मिल जाएंगे. ओके. सो सर, जब आप स्टूडेंट लेवल से डायरेक्ट जब ऑफिसर के लेवल पे आए, या फिर आपकी जब फर्स्ट ज्वाइनिंग होनी थी, जिस दिन आपको ऑफिस संभालना था, तो उस टाइम पे क्या रिएक्शन था आपके, और फिर जब आप ऑफिस में आए तो किस तरीके से आपने उस दिन परफॉर्म किया? कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जो आप शेयर करना चाहते हो? देखिए, जब पहली बार मैं ट्रेनिंग के लिए आया, क्योंकि हम उस इनिशियली हमारी ट्रेनिंग होती है, मतलब वी आर पोस्टेड एज ऑफिसर्स ट्रेनी, वी आर कॉल्ड OTs, मतलब ऑफिसर्स ट्रेनी, ऑन जॉब ट्रेनी, मतलब आपकी जॉब चल रही है बट यू आर ऑन ट्रेनिंग. तो उस समय हम लोगों को रेंज ऑफिसर्स का चार्ज दिया जाता है. मतलब रेंज ऑफिसर हमारी एक इंपॉर्टेंट यूनिट होती है एक डिवीजन के अंदर, जो सारा फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ को मैनेज करती है. तो उसमें ऑलमोस्ट 3 months हम लोगों को कंटिन्यू काम करना पड़ता है. फिर धीरे धीरे हमें फैमिलाइज किया जाता है कि DFO ऑफिस में किस तरह से काम होता है. फिर धीरे धीरे हमें फैमिलाइज किया जाता है कि DC ऑफिस में और SP ऑफिस में कैसे काम होता है. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग ओनली. तो उस वो आते आते आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपका जो ब्लेंड ऑफ माइंड, जो आपका मतलब एक तरफ समझ लीजिए आपका जो दिमाग है, इस तरह से ट्रेंड होने लग जाता है कि नाउ यू आर एन ऑफिसर, क्योंकि आप सबसे इंटरेक्ट करते हैं, आप सारे ऑफिसर्स से मिलते हैं, तो आपका एक ऑफिसर्स की तरह ट्रेनिंग होना शुरू हो जाता है. फिर उसके बाद भी जब हम लोग ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हमें ACF की तरह लगाया जाता है, मतलब एक DFO के अंडर लगाया जाता है. तो ऑलमोस्ट 1 साल 1.5 साल, कभी कभी 2 साल भी किसी किसी स्टेट्स में हो जाता है. तो वो 2 साल वाली ट्रेनिंग करने के बाद फिर हम लोगों को DCF का चार्ज, यानी DFO का चार्ज दिया जाता है. तो जब इतना सब कुछ हम लोग देख के जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स लाइफ से निकल के ऑटोमेटिकली आप ऑफिसर लाइफ में चले आते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता. इतना स्मूथ ट्रांजिशन होता है. जी जी बिल्कुल. तो इतना स्मूथ ट्रांजिशन होता है कि फिर आपको खुद रियलाइज होता है कि यार आप कल स्टूडेंट थे, आज आप ऑफिसर बन गए. ओके. सो सर, अभी आप DFO के पोस्ट पर हो, तो सर इस पोस्ट के बारे में बताइए, और क्या काम करना होता है बेसिकली, और क्या आपका दिनचर्या रहता है, किस तरीके से काम होता है उस? देखिए, एज अ DFO, मैं एक थोड़ी सी चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ. हमारे इंडिया में लैंड का सिर्फ 2 ही कैटेगराइजेशन है, एक होता है रेवेन्यू लैंड और एक होता है फॉरेस्ट लैंड. तो अगर मैं आप कोई भी लैंड देखेंगे, उसमें या तो वो रेवेन्यू लैंड होगा या तो वो फॉरेस्ट लैंड होगा. तो रेवेन्यू लैंड का ज्यूरिडिक्शन, रेवेन्यू लैंड का जो देखभाल करने के लिए जो कस्टोडियन होता है, वो DC या रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, जिसको हम DM भी बोलते हैं. बट फॉरेस्ट लैंड को देखने के लिए DFO को अपॉइंट किया जाता है. DFO की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, DFO ही जो है फॉरेस्ट लैंड का कस्टोडियन होता है. और इसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस भी आपस में नहीं रहता, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपना अलग रेवेन्यू लोगों के मैटर्स को देखता है और फॉरेस्ट के मैटर्स को देखता है. तो उसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस भी हम लोगों का आपस में नहीं रहता. तो
देखा जाए तो हमारी एक्टिविटीज़ की अगर बात करें, फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ की बात करें, तो ये मेरा कैडर एगमुट कैडर है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड ऑल द यूटीज़ हैं। यूटीज़ में और अंडमान्स में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हैं, यहाँ पर ऑलमोस्ट 87% फॉरेस्ट है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा काम ऑटोमेटिकली फॉरेस्ट ऑफिसर का बढ़ जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आप नोट करेंगे कि डिवीजन्स के साइज़, जो डिवीजन्स बनाए गए हैं, वो डिस्ट्रिक्ट के साइज़ से काफ़ी छोटे छोटे हैं, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे आपको 3 से 4 डिवीजन्स मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ फॉरेस्ट ही इतना ज़्यादा है, मेरे डिवीजन में 90% एरिया फॉरेस्ट है। तो जाहिर सी बात है डिवीजन्स को मैनेज करने के लिए छोटे छोटे डिवीजन्स बनाए गए। जहाँ तक एक्टिविटीज़ की बात करें, मैं अपने डिवीज़न की बात करूँगा, मिडल अंडमान फॉरेस्ट डिवीज़न की बात करूँगा। जहाँ तक एक्टिविटीज़ की बात करें तो यहाँ पर जितनी भी फॉरेस्ट्री रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो सारी अंडमान में परफॉर्म की जाती हैं, क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट ही इतना ज़्यादा है। फॉरेस्ट जो कम्युनिटीज़ हैं वो फॉरेस्ट पर बहुत ज़्यादा हद तक डिपेंडेंट रहती हैं। तो जैसे इनिशियल ही हमारी एक्टिविटी क्या होती थी, मोस्टली एक्सट्रैक्शन, मतलब कि टिम्बर को एक्सट्रैक्ट करना, उसको गवर्नमेंट सॉमिल या प्राइवेट सॉमिल में उसको सॉइंग करना, और फिर उसको पब्लिक को सेल करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि वो लोग अपनी फर्नीचर की डिमांड या अपने घर की घर बनाने की डिमांड को पूरा कर सकें। पहले यही हुआ करता था, बट अब समय चेंज हो रहा है, इससे हमारा रोल थोड़ा थोड़ा और डाइवर्स होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अभी हम लोग दूसरा एरिया जैसे प्रोटेक्शन में भी हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन होता है, ताकि वाइल्ड लाइफ या जो फॉरेस्ट ऑफेंसेज हैं उसको हम लोग कट डाउन कर सकें, कम कर सकें। उसके अलावा हम लोग इको टूरिज्म एक्टिविटी, जो एक नया एक रीसेंट कॉन्सेप्ट है, ये पहले नहीं हुआ करता था, अर्ली 2000 के बाद से ही ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ इको टूरिज्म का। तो इको टूरिज्म इन फॉरेस्ट एरियाज करके अंडमान में बहुत सक्सेसफुल रहा है। तो इको टूरिज्म एक्चुअली अंडमान में अकॉर्डिंग टू शेखर सिंह कमीशन सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू ही रेगुलेट किया जा सकता है, इसमें और कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ये इसको फॉलो करते हुए डिपार्टमेंट ने कई जगह पर इको टूरिज्म साइट्स का डेवलपमेंट किया है। जैसे हमारे पास, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास लॉन्ग आइलैंड में लालाजी बे इको टूरिज्म फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पर हमने जो भी नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट होते हैं उनको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देते हैं टेंटेड एकोमोडेशन के अंदर, वो लग्जरी टेंट्स हैं। तो इस तरह से ही हमने यहाँ के लोकल्स जो लोग हैं उनकी भी टूरिज्म नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ कुछ बीचेज हैं जो रोड से ही कनेक्टेड है, उनको डेवलप किया है, जिसमें एक धनी नाला बीच है, जिसमें आमकुंज बीच है, इसमें मॉरिस डेरा बीच है, और अभी कुछ और बीचेज भी आने वाले हैं, वो ऑलरेडी डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर अभी चल रहे हैं। राइट, ओके। सो सर, आपकी जो फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी वो कहाँ पे हुई थी सर? देखिए, फर्स्ट पोस्टिंग अगर आप बोलेंगे तो ये एज ए ACF, एज ए असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट, मेरी यहीं पे हुई थी एज ACF मिडिल अंडमान। तो जिसमें मैं बहुत चीज़ें सीख रहा था, वो मेरा एक्चुअली सीखने का फेज था। तो वो ऑलमोस्ट 6 से 7 मंथ्स मैं यहाँ पर ACF पोस्टेड था। उसके बाद मेरी पोस्टिंग लिटिल अंडमान, जो हटबे साउथ अंडमान के और साउथ में है, तो वहाँ पर मेरी एज ए डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, वहाँ नेक्स्ट फर्स्ट पोस्टिंग एज ए DFO मेरी वहीं पर हुई थी। मेरी, आप ऐसे समझ सकते हैं कि मेरी DFO की जर्नी लिटिल अंडमान से ही शुरू हुई है। ओके जी। सो सर, आपके क्या पावर्स होते हैं या फिर कितने डिपार्टमेंट आपके अंडर आते हैं? देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब सब एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो इसमें कोई अलग से कोई डिपार्टमेंट नहीं आते, बट एज अ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिस अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 400 से 500 एम्प्लॉई मेरे अंडर काम करते हैं, तो उनका सारा, उनका जो भी सर्विस मैनेजमेंट है, पर्सनल मैनेजमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट मैटर्स है, जो भी लेबर मैटर्स है, वो सब हम लोग यहाँ पर एड्रेस करते हैं ऑफिस के अंदर। उसके अलावा हमारा जो मेजर डिवीजन यहाँ पर एक गवर्नमेंट सॉ मिल एट बेटापुर है, जो कि सिर्फ अंडमान में दो ही जगह गवर्नमेंट सॉ मिल है, एक छातम यानी पोर्ट ब्लेयर में आपको मिलेगी, और एक जो मेरे पास गवर्नमेंट सॉ मिल एट बेटापुर वो वाली है। तो जो भी हमारा टिम्बर एक्सट्रैक्शन होता है वो हम लोग वहाँ पर सॉइंग करके जनरल पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके सर। सो सर, बेसिकली आपके फील्ड वर्क में नॉर्मली जंगल जाना होता होगा, है ना? तो कभी कोई ऐसा मैन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर या फिर ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हो जो आप शेयर करना चाह रहे हो, फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो बताना चाह रहे हो? जी देखिए, मैं जब यहाँ पर एज ए ट्रेनी था, उसी टाइम जब मेरे रेगुलर DFO एक ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए आउट ऑफ स्टेशन थे, यहाँ पर नहीं थे, उसी समय पर यहाँ पर क्रोकोडाइल का एक अटैक हुआ था। तो वो वाला एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो
उस टाइम पर क्योंकि जो मेन हमारे DFO साहब थे ही वॉज नॉट इन कमांड, तो मुझे ही सारा कुछ चार्ज लेकर मुझे ही सारा सिचुएशन को हैंडल करना था। देखिए जब किसी की लाइफ जाती है तो लोगों में गुस्सा रहता है, तो सबसे पहला टारगेट हम लोगों का यही रहता है कि किस तरह से लोगों को शांत किया जाए। जब भी क्रोकोडाइल अटैक हुआ था, ये मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, जब क्रोकोडाइल अटैक हुआ था उस टाइम सब लोग रोड पे आ गए थे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की क्रोकोडाइल की वजह से ये अटैक हुआ। बट हमें ये समझना चाहिए कि वो अटैक जो है वो एक एनिमल है, क्रोकोडाइल एक एनिमल है जिसके मूवमेंट को हम लोग ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि जहाँ हमें बताया जा रहा है, जहाँ डिपार्टमेंट की एडवाइजरी है, जहाँ डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस हैं कि वहाँ पर आप मत एंटर करिए, तो वहाँ पर आप फिशिंग एक्टिविटीज़ के लिए या अपने कपड़े धोने के लिए या फिर नहाने धोने के लिए वहाँ पर मत जाइए। तो ये चीज़ें हम लोग पब्लिक में, क्योंकि क्रोकोडाइल ऐसा नहीं है कि क्रोकोडाइल को अगर आप देखें तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल Schedule 1 स्पीशी ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। इसका मतलब ये होता है कि इट इज़ हाईली प्रोटेक्टेड, मतलब आप क्रोकोडाइल को अगर कोई मार देता है या कोई अटैक कर देता है तो उसको जेल भी जाना पड़ सकता है, 7 साल के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसे एनिमल को हम लोग कुछ कंट्रोल तो नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पर शॉप्स हैं, जो घर का जो बचा हुआ सामान होता है या जो मीट शॉप्स हैं, वो लोग क्या करते हैं उसको उठा के क्रीक में डाल देते हैं, जो बचा हुआ सामान रहता है उससे क्रोकोडाइल अटैक होते हैं और जो रेवेन्यू एरिया में घुसने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला तो हमको वही करना चाहिए था कि हम लोग को इनको रिस्ट्रिक्ट करना है कि जो आप मटेरियल डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं वो क्रीक एरिया या नदी वो आपका एरिया नहीं है डिस्पोज ऑफ करने का, आप उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करिए, ठीक है। उसके अलावा कई जगह, कई ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं जहां हम लोग बोलते हैं कि आप लोग मत जाइए, वहां क्रोकोडाइल अटैक हो सकता है, वहां पर क्रोकोडाइल्स की प्रेजेंस नोट की गई है डिपार्टमेंट के द्वारा, बट फिर भी लोग उस वाले एरिया में जाते हैं, फिशिंग करने जाते हैं, इवन पानी में भी अपना रिस्क की लाइफ को रिस्क में डाल के पानी में भी उतरते हैं। तो वो चीज है कि जो भी गाइडलाइंस, मैं यही बोलूंगा कि जो भी गाइडलाइंस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से या हमारे DFO ऑफिस की तरफ से दी जाती है, यहां मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि यहां के जो भी लोकल्स हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तो वही चीज है, तो क्रोकोडाइल अटैक हुआ क्योंकि मेन जो हमारा प्रॉब्लम है वो क्रोकोडाइल अटैक। स्नेक्स रेप्टाइल्स आर देयर बट उतने बाइट के केसेस उतने अंडमान्स में आते नहीं, रिपोर्टेड नहीं है। तो जो भी एडवाइजरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देता है उसको पब्लिक को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए ताकि हम लोग ह्यूमन क्रोकोडाइल कॉन्फ्लिक्ट को मैक्सिमम हद तक कम कर सकें। ओके सर, सो सर एक ऑफिशियल टाइम होता है कि इतने से इतने टाइम तक आपको ऑफिस में रहना है या फील्ड वर्क रहना है, तो वो कितने से क्या रहता है सर? देखिए अगर ऑफिस की बात करें तो ऑफिस मेरा सुबह 9 बजे से शुरू होता है और शाम को लगभग 5-5:30 बजे तक चलता है। बट एज ए DFO, एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर्स, हम लोग 24/7 ड्यूटी में रहते हैं क्योंकि हमारा काम ही पुलिसिंग है, फॉरेस्ट पुलिसिंग है। तो जब आप पुलिसिंग का जहाँ मैटर आ जाता है ना, वहाँ पर आप सो नहीं सकते क्योंकि क्राइम तो रात में भी हो सकता है क्राइम तो शाम को भी हो सकता है और अर्ली मॉर्निंग भी हो सकता है। तो हम लोगों को एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर 24/7 अलर्ट में रहना पड़ता है और 24/7 हम लोग, नॉट ओनली अस, मेरे जितने भी स्टाफ्स हैं वो भी 24/7 काम में लगे रहते हैं। बट अगर आप DFO ऑफिस की बात करें तो वो सुबह 9 बजे से लेकर 8:30 बजे से लेकर 5 बजे तक, 5:30 बजे तक चलता है। ओके सो सर, ऐसे कुछ इनिशिएटिव होंगे जो आपने डेफिनेटली एनिमल्स के या फिर जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर जो भी आपके एरिया में आते, कुछ ऐसे इनिशिएटिव हों जो आपने लॉन्च किए हों सर उनके बारे में? देखिए मेरी सबसे पहली कोशिश यही रहती है कि जो लोग ज़्यादा फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ क्राइम करते हैं उनको हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। तो एज ए DFO हम लोग हर साल या हर 6-6 महीने में कॉन्ट्रेक्चुअल लेबरर्स को अपने पास डिपार्टमेंट में इंगेज करते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जो लोग जंगल को अच्छे से जानते हैं, जंगल में वो फॉरेस्ट्री जो इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं उनको जंगलों को बारे में बहुत अच्छे से माइन्यूटली पता होता है, तो उनकी नॉलेज को क्यों ना यूज़ करके हम लोग अपने डिपार्टमेंट के फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में क्यों ना यूज़ करें। तो वो हम लोगों ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था जिसमें हम लोग जो मतलब ऑफेंडर्स हैं उनको ही हम लोगों ने DRM में ऐसे जॉब देना शुरू किया ताकि वो लोग वो काम छोड़ दें और जाके और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद करें कि हम लोग किस तरह से क्राइम
को कम कर सके। दूसरा एक, क्योंकि मैं मानता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप लोगों को, लोगों का दिमाग जो है इलीगल चीज़ों से हटा सकते हैं। इसी को लेते हुए हमने यहाँ पर अभी एक हमारे पास जो गवर्नमेंट सॉमिल बेटापुर है वहाँ पर शॉविनर शॉप का कॉन्सेप्ट शुरू किया है, जिसमें हम लोगों ने 5-6 आर्टिशंस को सिलेक्ट किया है, उनको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के कोलेबोरेशन से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की है और अभी वो लोग हमारे मिल में एक शॉविनर शॉप में वर्कशॉप में काम करते हैं और नए नए प्रोडक्ट्स बना करके अभी हमारे शॉविनर शॉप में रख रहे हैं, जिसको जल्दी ही हम लोग उसको सेल करना भी शुरू कर देंगे अपने शॉविनर शॉप के द्वारा। ओके, सो जैसे कि कहा जाता है फॉरेन जो सर्विस होती है उसको काफी चिल या फिर मतलब शांति वाली सर्विस है इतना, जैसे कि आपने भी स्टार्टिंग में जिक्र किया कि ये कोई डायरेक्टली पब्लिक से इंटरेक्शन नहीं होता, तो सर क्या सच में ऐसा है कि हाँ एक रिलैक्स लाइफ चल रही है, कोई टेंशन नहीं है? नहीं, देखिए जब भी आप गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करते हैं और एज एन ऑफिसर ज्वाइन करते हैं, दैट टू एन ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर ज्वाइन करते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हाई रहती है, क्योंकि आपको सब कोई देख रहा होता है, आपको सारी पब्लिक देख रही होती है, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा होती हैं कि आप नए आए हैं तो आप कुछ चेंज करके दिखाएंगे सिस्टम के अंदर। तो आप जब एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट आप ऑल इंडिया सर्विस ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पावर्स हैं, तो वर्क भी आपके पास ऑटोमेटिकली ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप कहीं भी चले जाइए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि काम नहीं रहता या काम कम रहता है, बट हाँ ये है कि थोड़ा सा अगर आप देखेंगे पब्लिक इंटरेक्शन की अगर बात करेंगे तो रेवेन्यू और पुलिस डिपार्टमेंट से थोड़ा हमारा पब्लिक इंटरेक्शन थोड़ा कम रहता है, तो पब्लिक इंटरेक्शन कम होने से कहीं ना कहीं हल्का फुल्का प्रेशर हमारा थोड़ा कम हो जाता है। बट स्टिल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आप काम करते हैं बट आपको लोगों को दिखता नहीं कि आप काम कर रहे हैं। ओके सर, सो सर अगर बात की जाए जैसे कि गर्ल्स को लेकर, तो ये जो फॉरेस्ट सर्विस है वो कितनी अच्छी है, या फिर गर्ल्स को ये फॉरेस्ट के लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नहीं, ज़रूर जाना चाहिए। पहले फॉरेस्ट सर्विस में गर्ल्स को अलाउड नहीं था, बाद में मुझे नहीं पता कब ओपन हुआ, बट बाद में फॉरेस्ट सर्विस में गर्ल्स को भी अलाउ किया गया है। और ये मेरे हिसाब से तो फॉरेस्ट सर्विस गर्ल्स के लिए एक सबसे अच्छी सर्विस है, क्योंकि यहाँ पर इतना पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है कि आपका पब्लिक से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहता, तो आपकी थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक हेडेक आपका कम रहता है, जो कि आपको और सर्विसेज में कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है। और जब आप जंगल में रहते हैं तो आपको ज़्यादा पीपल से इंटरेक्शन ना करके आपको जो भी सारी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो आपके घर में या आपके बंगले में या आपके ऑफिस में होनी चाहिए वो आपको मिल जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि गर्ल्स के लिए इससे अच्छी सर्विस नहीं हो सकती बल्कि, बट कहीं ना कहीं चैलेंज भी है। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए आप कोई भी चीज़ को ऐसे नहीं सकते कि ये गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको रिमोट एरियाज में रहना पड़ता है, आपको समटाइम्स ऐसा होता है कि भाई आपके फैमिली से दूर भी रहना पड़ता है, तो वो सब चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़ते हैं। तो बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि मैं और इनकरेज भी करता हूँ, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर मैंने कोचिंग शुरू की है, यहाँ पर मैं लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं गर्ल्स को भी इनकरेज करूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट सर्विस में ज्वाइन करें और फॉरेस्ट कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन में अपना बड़ा से बड़ा रोल उसमें प्ले करें। ओके सर, सो जैसे कि आप अंडमान निकोबार में हो सर, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन से जानवर होते हैं, या फिर ये कहा जाए कि एक होता है ना खनिज, जो भी है मतलब ये फॉरेस्ट से रिलेटेड क्या चीज़ें ज़्यादातर होती है? देखिए यहाँ पर अगर कैट्स की बात करी जाए तो बिग कैट्स में या अंडमान्स में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर छोटे छोटे एनिमल्स ही रहते हैं, बट दे आर प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1, जिसमें दो आपके मेन एनिमल्स जो जिनका हंटिंग होती है, जिनसे प्रॉब्लम होती है, एक क्रोकोडाइल है और एक आपका वाइल्ड पिक है। उसके अलावा बार्किंग डियर वगैरह भी हैं, बट ये शेड्यूल 3 के अंदर आते हैं, तो उसमें पनिशमेंट उतना हाई नहीं है, बार्किंग डियर हुआ, स्पॉटेड डियर हुआ, ये सब। इसके अलावा यहाँ पर सीवेट कैट्स हैं, इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो रेप्टाइल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसमें आपको बहुत सारे स्नेक्स जैसे अंडमान किंग कोबरा और ग्रीन ट्रिंकलेट, इस तरह के बहुत सारे स्नेक्स आपको मिल जाएंगे। इस तरह से किंग कोबरा भी यहाँ पर है, तो रेप्टाइल्स की प्रेजेंस अगर देखी जाए तो अंडमान में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया है, जहाँ भी आप एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया देखेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको रेप्टाइल की संख्या थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। ओके, सो सर आपने कोबरा वगैरह देखे होंगे तो डर वगैरह नहीं लगा? देखिए शुरू में हम लोग की ट्रेनिंग के टाइम में ही हम लोग को थोड़ा बहुत
मतलब उनसे आप ऐसा बोल लीजिए इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है ताकि हम लोग उनको देख के ये ना बोले कि ये क्या है ना, तो उनसे हमारी फ्रेंडशिप थोड़ा सा ट्रेनिंग के टाइम भी करा दी जाती है। बट स्टिल अभी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं कोबरा को पकड़ सकता हूँ या मैं उसको अपने हाथ से रेस्क्यू कर सकता हूँ, नहीं। बट उसके लिए हम लोग एक स्पेशलाइज टीम बना करके रखते हैं डिपार्टमेंट में। जैसे ही हम लोग को कभी कॉल मिलता है कहीं से भी, किसी भी विलेज से हमें कॉल आता है कि हमारे घर में कोबरा या कोई भी किसी तरह का स्नेक निकल गया, तो हमारी एक टीम है जो 24/7 वो रेडी रहती है, जिसको हम क्विक रिस्पॉन्स टीम बोलते हैं। तो जिस तरह जैसी फोन कॉल जाएगा इमीडिएटली वो लोग, चाहे दिन हो चाहे रात हो, उन लोगों को उस स्पॉट पे पहुंचना है कि जो भी स्नेक है उसको पकड़ना है, उसको रेस्क्यू करके उसको फॉरेस्ट एरिया में जो उसका नेचुरल हैबिटेट है वहां उसको रिलीज करना है। ओके, सो सर नॉर्मली जब आप फील्ड वर्क पे जाते हो तो साथ में लेके जाते हो ऐसी इस टाइप की टीम्स वगैरह को? नहीं, ये साथ में नहीं रहती है टीम, इनके लिए अलग व्हीकल अलॉटेड है, इनके लिए अलग डेजिग्नेटेड लोग रहते हैं, वही ये काम परफॉर्म करते हैं। तो मैं साथ में ऐसे लेके नहीं जाता, क्योंकि अब देखिए यार मैं जंगल में जा रहा हूँ तो मुझे स्नेक कैप्चरिंग इक्विपमेंट की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो उनका घर है, मैं उनको पकड़ के कहाँ ले जाऊँगा, वो तो वहाँ रहेंगे ही रहेंगे, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। बट वो किसी के घर में चला गया तो वो प्रॉब्लमेटिक है, उसको हम लोग रेस्क्यू करके यानी पकड़ के उसको जंगल में रिलीज करते हैं। तो ये टीम मैं साथ में लेकर नहीं चलता, बट ये 24/7 दिन रात एक्टिव रहती है और उसमें डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं, उनके नंबर हम लोग कंटिन्यू डिस्प्ले करते रहते हैं कि किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली हमें कॉन्टैक्ट करें। ये सिर्फ स्नेक के लिए नहीं है, ये हमने क्रोकोडाइल के लिए भी रखा हुआ है। राइट सर। ओके, सो सर जो अंडमान निकोबार में ट्राइब्स हैं तो उसको लेकर आप क्या करते हैं सर? सॉरी, ट्राइब्स जो आदिवासी लोग हैं। देखिए आदिवासी के लिए यहाँ पर एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है। तो उसमें हमारा ज़्यादा कोई ऐसा रोल नहीं रहता, बट जरूर जहाँ हम लोग को हेल्प चाहिए होती है, कहीं पे भी ट्राइबल डिपार्टमेंट को हमारी हेल्प चाहिए होती है, जैसे कुछ फॉरेस्ट एरिया में अगर NTFP कलेक्शन करके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है या कुछ एरिया में फ्रूट प्लांटेशन वगैरह करना है, तो वो हम लोग कैरी आउट करते हैं। और उनके एरिया में कोई लोग ना जाएं उसके लिए हम लोग रेगुलर पेट्रोलिंग करते हैं। इसमें रेगुलर पेट्रोलिंग भी हम अकेले नहीं करते, इसमें हमें पुलिस डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन से करना पड़ता है, इसमें हमें ट्राइबल डिपार्टमेंट के भी ऑफिसर्स रहते हैं, उनके साथ हम लोग जंगल की रेगुलर पेट्रोलिंग करते रहते हैं कि ये ट्राइबल्स हैं, इनको कोई इंट्रैक्शन ना हो और इनको कोई प्रॉब्लम ना हो ट्राइबल्स को। ओके, सो सर फैमिली वगैरह को किस तरीके से टाइम दे पाते हो इतने बिजी शेड्यूल में सर? देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि कोई भी आप सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस ज्वाइन करेंगे, कोई भी ग्रुप ए सर्विस ज्वाइन करेंगे, तो कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ तो हो जाती है। क्योंकि आप देखेंगे मेरा जो शेड्यूल शुरू होता है मॉर्निंग 6 o'clock शुरू होता है और मैं 6 to 7 o'clock तक ही जाके घर पे अपनी फैमिली से मिल पाता हूँ। मतलब ठीक है मैं लंच करने बीच में जाता हूँ, तो इतने लंबे टाइम में आप फैमिली को ज़्यादा टाइम आप नहीं दे पाते, बट फिर भी जब मैं मिलता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि अपना 100% दूँ उनके साथ। जब मैं मिलता हूँ, क्योंकि मेरी एक छोटी बेटी भी है, तो मैं उनके साथ पूरा खेलता कूदता हूँ और फैमिली के साथ जितना टाइम स्पेंड कर सकता हूँ वो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कहीं ना फैमिली के साथ भी पूरा टाइम स्पेंड कर सकूँ और मेरा वर्क भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। जैसे कि आप IAS IPS और आप खुद IFS हो, तो इन सब ऑफिसर्स के साथ मिलते होंगे, तो नॉर्मली सर आपको कौन सी जॉब ज़्यादा बेटर लग रही है? जैसे कि आप खुद IAS के लिए भी तैयारी कर रहे थे, तो आप क्या प्रेफरेंस देना चाहोगे? आपने सारी चीज़ें देख ली हैं, फील भी कर ली हैं। देखिए जब आप तैयारी करते हैं तो उस समय आपको ज़्यादा आइडिया नहीं होता, राइट। लेकिन जब आप फील्ड में आ जाते हैं तो आपको ग्राउंड सिचुएशंस पता लग जाती है कि हम किस सिचुएशन में और किस स्टेट ऑफ माइंड से काम करते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि ऑल इंडिया सर्विसेज सिर्फ 3 ही हैं हमारी कंट्री में, IAS IPS एंड IFS। ऑल इंडिया सर्विस में जो भी पर्क्स एंड पैकेजेस हैं, जो भी सर्विस कंडीशंस हैं, वो सारी ऑलमोस्ट सेम होती हैं और ऑल इंडिया सर्विस के जो रूल्स हैं उनसे गवर्न होती हैं। और बाकी सारी जो सर्विसेज जो आप देखते हैं IRS IRTS IRPS इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज हैं, वो सब सेंट्रल सर्विसेज में आती हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि इनके जो पर्क पैकेजेस हैं वो आपको ऑलमोस्ट हर जगह सेम मिलेंगे। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी? प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी कि आपका पब्लिक इंटरेक्शन कितना है। जब आप IAS IPS की बात करेंगे तो उनका पब्लिक इंटरेक्शन डेफिनेटली IFS से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। हम लोगों का जो पब्लिक इंट्रैक्शन रहता है वो जो उन्हीं विलेजर्स के साथ रहता है जो कि फॉरेस्ट के फ्रिंज एरियाज में, जो यानी फॉरेस्ट के साइड के एरियाज में रहते हैं, तो हमारा पब्लिक इंट्रैक्शन कहीं ना कहीं कम हो जाता है। और ऐसा देखा जाता है कि जब आपका पब्लिक इंट्रैक्शन कम है तो कहीं ना कहीं पब्लिक में आपका वो एक फेस नहीं आ पाता। हम लोग काम तो करते हैं, काम पूरा जितना और ऑफिसर्स कर रहे हैं उतना हम भी काम कर रहे हैं, बट क्योंकि हमारा पब्लिक फेस नहीं है तो उतना हमारा इंट्रैक्शन नहीं है, उतना इंट्रैक्शन ना होने से उतना हमारे रिकग्निशन नहीं मिलता हमारे काम।
तो अगर आप क्या चाहते हैं लाइफ में उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आप पब्लिक इंट्रैक्शन ज़्यादा चाहते हैं तो आपके लिए IFS मैं नहीं कहूँगा कि अच्छी सर्विस है, आपको IAS और IPS के लिए चूज़ करना चाहिए। लेकिन कहीं आप अगर आपको लगता है कि आप फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में आपका इंटरेस्ट है, अगर आप समझते हैं कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने में आपका इंटरेस्ट है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको फॉरेस्ट सर्विस ज्वाइन करनी चाहिए, जहाँ थोड़ा हो सकता है आपका रिकग्निशन और सर्विसेज के बराबर ना हो या उससे कम हो, बट आपको एक जॉब सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिल पाएगा। राइट सर। सो लास्ट में जो नए एस्पिरेंट हैं जो IFS की तैयारी करना चाह रहे हैं, फिर UPSC की तैयारी करना चाहे IAS IPS के लिए, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि सर्विसेज सब बराबर हैं, आपको गवर्नमेंट में जाकर अपनी सर्विस देनी है। तो पहले आप जो दिमाग में सर्विस की तैयारी करने आते हैं, तो आप ये सोच के आइए कि आपको गवर्नमेंट में सर्विस करनी है और आपको लोगों के लिए, पब्लिक के लिए काम करना है, देश के डेवलपमेंट में आपको अपना कंट्रीब्यूशन करना है। वो कोई भी सेक्टर हो सकता है, वो आपकी पुलिसिंग सेक्टर भी हो सकता है, वो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाला सेक्टर भी हो सकता है, वो आपका फॉरेस्ट सेक्टर भी हो सकता है, या और रेलवेज या और भी सेक्टर्स हो सकते हैं। तो पहले आप अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लीजिए कि यू आर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट, और अपना जो एटीट्यूड है वो आप ऑफिसर वाला अपने प्रिपरेशन के टाइम से ही धीरे धीरे बनाना शुरू कर दीजिए। आप ये समझ के चलिए कि आप ही ऑफिसर्स हैं, क्योंकि जब आप तैयारी करेंगे और तैयारी करके जब आप इंटरव्यू देंगे या एग्जाम देंगे या मेंस का एग्जाम लिखेंगे या इंटरव्यू का इंटरव्यू देंगे, अगर आप ये एज्यूम करके चलेंगे यू आर ऑलरेडी ऑफिसर, तो आपके जो आंसर्स फ्रेम होंगे रिटर्न वाले या इंटरव्यू वाले, वो ऑटोमेटिकली उस तरह से फ्रेम होंगे कि आप एक ऑलरेडी एक सक्सेसफुल ऑफिसर हैं, तो उनके वो ज़्यादा इंप्रेसिव होते हैं कि मतलब आप ऑलरेडी ऑफिसर हैं तो आपको ऑफिसर बनाने की क्या जरूरत है ना। तो अपना एटीट्यूड धीरे धीरे वो डेवलप करिए। प्रिपरेशन की बात करूँ तो मैंने ऑलमोस्ट 4-4.5 साल लगाया है इसमें। इसमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंस, पेशेंस एंड परसिवरेंस, मतलब आपको तैयारी के पीछे लगे रहना होगा, चाहे हो सकता है आपको कई बार फेलियर को भी फेस करना पड़े, जो कि मैंने भी किया और भी ऑफिसर्स और भी जो एक्सपीरियंट्स हैं वो करते हैं। तो इसमें पेशेंस हमको रखना है और कोशिश करनी है कि अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम प्रिपरेशन में दें, हार्डवर्क करें और दिमाग में रखें कि हमें अल्टीमेटली गवर्नमेंट की सर्विस करनी है, पब्लिक की सर्विस करनी है। ये करके तैयारी करेंगे तो आप जरूर, मैं मानता हूँ कि सभी एस्पिरेंट अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो देखा गाइज, आपने सर ने आपको अपनी जर्नी डिटेल में शेयर की, वो किस तरीके से काम करते हैं, क्या सीन होता है, जो भी बातें इस वीडियो में आपने देखी ली होंगी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।